एमएस वर्ड कोर्स के इस वीडियो में आज आप सीखेंगे किस तरीके से आप एमएस वर्ड के अंदर क्लिपबोर्ड का यूज कर सकते हो। दोस्तों, हम जनरली नॉर्मल तरीके से कट कॉपी पेस्ट करते हैं, नोटपैड का भी यूज करते हैं, बट क्लिपबोर्ड का यूज करके आपका काम बहुत आसान हो जाता है कॉपी पेस्ट का। तो इसलिए ये अच्छे से सीखिएगा एंड तक, बिकॉज ये आपकी स्पीड, प्रोडक्टिविटी बढ़ा देगा, एफिशिएंसी बढ़ा देगा। तो दोस्तों, इसी की तरह आप एक्सेल, पावर पॉइंट, डिजिटल मार्केटिंग के अगर 50 से ज्यादा कोर्सेज सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल से फ्री सीख सकते हो। और आने वाले कुछ टाइम के अंदर हम कई सारे कोर्सेज ला रहे हैं, तो तुरंत चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कुछ मिस ना करें। चलते हैं और सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, कोचिंग, कंसल्टेंसी लेने के लिए वेबसाइट marketingfundals.com पे आप जा सकते हो या कॉल कर सकते हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे क्लिकबोर्ड ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कॉपी पेस्ट को बेहतर बनाने के लिए। दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे, कॉपी पेस्ट सभी करते हैं, सभी अपने डाटा को एक दूसरे जगह पे कॉपी पेस्ट करते हैं, लेकिन उन लोगों को अधिकतर इस ऑप्शन का पता नहीं होता है। तो आइए मैं बताता हूँ कि ये होता क्या है। बेसिकली मान लीजिए आप ये पैरा पहले सेलेक्ट करेंगे और इस पैरा को कहीं पे कॉपी करके कहीं पे पेस्ट करेंगे या फिर कट करके कहीं पे पेस्ट करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरे पैरा को आप कॉपी करके कहीं पे पेस्ट करेंगे, तो क्या होता है, जनरली लोग सोचते हैं कि जो पहला वाला जो होता है ना, ये जो आपने कॉपी किया था, ये ऑटोमेटिक हट जाता है। लेकिन हटता नहीं है दोस्तों, वो बाकी सब जगह से तो हट जाता है, लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, इसमें आप दोस्तों बेसिकली आप चाहें तो 24 जो कैरेक्टर होते हैं, आपने जो कॉपी पेस्ट करा है, तो 24 तक आने वाले, जो पिछले 24 तक जो आपने सेंटेंसेस या जो भी कंटेंट कॉपी पेस्ट करा है, वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बेसिकली अपने पास रखता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अपने पास रखता है, और आप चाहें तो जितने बार उतनी बार उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अधिकतर लोग इस ऑप्शन का नहीं जानते हैं, और मैंने देखा है कि वो नोटपैड का सहारा लेते हैं, कॉपी पेस्ट करके नोटपैड में रखते हैं, फिर उसके बाद कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट करते रहते हैं। तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है, आप क्लिकबोर्ड ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक खामी भी है दोस्तों, कि अगर आपने अपना कंप्यूटर या लैपटॉप या जो भी है बंद कर दिया, तो उस कंडीशन में क्लिकबोर्ड खाली हो जाता है मतलब। तो चलिए, मैंने जानबूझ के 4 कलर ऑप्शन लिए हैं, तो एक ब्लैक कलर में लिया है, एक रेड में लिया है, और एक ब्लू में लिया है, और एक ग्रीन में लिया है। वो क्यों लिया है अभी आप देख सकते हैं। मान लीजिए पहला जो ब्लैक अक्षर मैंने लिया है, इसको मैं बोल्ड भी कर देता हूँ, तो आपको अलग से लिखे, ठीक है। तो इसको जो मैंने लिया है, इसको मैं कॉपी करूंगा दोस्तों, बेसिकली कट करूंगा, ठीक है ना। कट, कॉपी, पेस्ट कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो मैंने मान लीजिए कट करा और यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, नीचे, सबसे नीचे। तो मैंने दोस्तों यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक। उसके बाद मैंने इसको लिया नीचे ऊपर वाला, और इसको भी मैं कॉपी करूंगा दोस्तों, कॉपी करूंगा और इधर कहीं पेस्ट कर दूंगा। अब मैं सीधे कट कर रहा हूँ दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा आप। इसको भी देखूंगा, बेसिकली लाल तो आई थिंक चला गया है ना, हाँ ठीक है। मैं इसको डिलीट ही मार देता हूँ फिर, या डिलीट रहने देते हैं, कोई बात नहीं, इसमें क्या दिक्कत आएगी। एक को कॉपी करा है, एक को कट करा है, ठीक है। इसको भी मैं दोस्तों कॉपी करता हूँ और यहाँ पे दोस्तों मैं पेस्ट करता हूँ। अब देखिए, अब आखिरी वाले ग्रीन को भी लिखते हैं, इसको कट करते हैं। कॉपी कट कुछ भी कर सकते हैं, मैं तो आपको बस ऑप्शन दिखाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। अब देख सकते हैं, ये जो मैंने 4 बार कॉपी पेस्ट या कट पेस्ट करा है, तो इस कायदे से आखिरी बार तो मैंने इस ग्रीन को करा है, यानी कि जो मेरे पास अब रहना चाहिए कॉपी पेस्ट करने के लिए, वो ग्रीन ही रहना चाहिए। और वाकई में जब आप यहाँ पे जाएंगे नीचे और पेस्ट करना चाहेंगे दोबारा, मान लीजिए यहाँ पे रख के आप दोबारा पेस्ट करेंगे, तो वो ग्रीन ही आएगा। आप अधिकतर यही सोचते होंगे कि पिछला बार वाला हट जाता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आप ग्रीन से पहले वाला, यानी कि ये ब्लू वाला, ये रेड वाला है, कुछ भी जो पैरा जो आपने कंटेंट लिया है वो ले सकते हैं। और ये आपके साथ जो माइक्रोसॉफ्ट आपका वर्ड होता है, ये अपने साथ आपको रखता है। कहाँ रखता है, चलिए मैं दिखाता हूँ। तो ये रखता है दोस्तों एक क्लिपबोर्ड में। क्लिपबोर्ड जब आप ओपन करेंगे, तो आप ये देखिए दोस्तों, पहला जो हमने कॉपी करा था, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, जितना भी हमने करा है, वो यहाँ पे सारा दिखेगा आपने को, ठीक है। 1, 2, 3, 4 4 चीजें मैंने रखी थी, वो चारों चीज मेरे को दिख रही है। तो चलिए मैं एक बार अगले पेज पे जाके चारों चीजों को आपको दोबारा पेस्ट करके दिखाता हूँ। देखिए, सबसे आखिरी बार मैंने इसका इस्तेमाल करा था, यानी ग्रीन वाला होगा ये, देखिए, मतलब ग्रीन वाला नहीं, सॉरी, आखिरी बार, यानी कि ये जो ब्लू वाला है, ये वाला है, ठीक है। उसके बाद ये वाला होगा, ये वाला, फिर देखिए ये वाला,
माफ करिएगा, हाँ फिर देखिए दोस्तों ये वाला, अरे ग्रीन भी होगा आई थिंक कहीं पे, देखिए दोस्तों हाँ देखिए ग्रीन भी आ चुका है। अब कितने भी बार जाके इसको कॉपी पेस्ट करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्लिपबोर्ड का, ये बड़ा ही बेहतरीन ऑप्शन है दोस्तों। और इसमें एक दो नहीं, अब तो 24 आइटम आप कर सकते हैं, ठीक है, इसको मैनेज भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको मान लीजिए कोई पर्टिकुलर हटाना है तो आप कैसे हटाएंगे, ये देखिए यहाँ पे जाके आप इस पे क्लिक करेंगे, पेस्ट करना चाहते हैं तो आप पेस्ट कर दीजिए। अच्छा आप सबको एक साथ ही पेस्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपको अगर एक एक नहीं करना है, मैं अभी आपको अगले पेज पे लेके जाता हूँ फिर दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे आपका जितने जितना भी क्लिपबोर्ड में आपका कंटेंट कॉपी है सबको एक बार में भी आप पेस्ट कर सकते हैं। देखिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ, मैं नेक्स्ट पेज पे चला गया दोस्तों और मैं पेस्ट ऑल पे क्लिक करूंगा, देखिए सारा का सारा जो डाटा मैंने कॉपी पेस्ट करा है वो सारा का सारा मुझे यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। ये लाल वाला दो बार मैंने कर दिया था सेलेक्ट, कोई बात नहीं एक बार डिलीट करते हैं, तो देख सकते हैं आपके पास सारा का सारा डाटा यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, एक दो नहीं अब तो 24 तक, ठीक है। तो आपको अगर यहाँ पे देखिए कोई चीज़ हटानी है तो आप कैसे हटाएंगे, यहाँ पे क्लिक करिए, यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ यहाँ पे पेस्ट करनी है तो एक सिंगल भी पेस्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप सारा करेंगे। उसके बाद आप सबको हटाना है तो आप यहाँ से हटा सकते हैं, वरना यहाँ पे कुछ ऑप्शन और मिलते हैं दोस्तों। अगर आप क्लिकबोर्ड का आइकन टास्क बार में देखना चाहते हैं तो यहाँ दिखेगा, ठीक है ना। इस तरह से आप इन सभी चीज़ों को मैनेज भी कर सकते हैं। शॉर्टकट कीज़ भी है दोस्तों, लेकिन मेरे हिसाब से क्लिकबोर्ड के लिए शॉर्टकट कीज़ याद रखने की कोई ज़रूरत है नहीं आपको, ठीक है ना। अगर आप सबको हटाना चाहते हैं तो क्लिक ऑल पे क्लिक करिए, ये हो चुका है आपका साफ। तो ये थी कहानी दोस्तों आज की क्लिपबोर्ड की, और ये बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है आपको, मतलब इतना लंबा चौड़ा जो कॉपी पेस्ट आप करना चाहते हैं, कई सारी चीज़ें एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको बाद में कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं बेसिकली। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, कंप्यूटर बंद करेंगे या फिर लैपटॉप आपने बंद कर दिया या पावर चलेगी कुछ भी हो गया ऐसा, तो क्लिपबोर्ड में रखा हुआ डाटा खत्म हो जाता है, इस बात का आप खास ख्याल रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज या डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग हमसे लेनी है तो आप हमारी वेबसाइट marketingfundus.com पर जा सकते हैं या हमारे दिए हुए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट और यूजफुल लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप उनका यूज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।